उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी में लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका ऐलान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को शाम को किया है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए लॉकडाउन को 17 मई के बाद 24 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। जी हां, आपका 24 मई तक के लिए लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। अब नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए यूपी सरकार अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल यानी टोटल 5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे यूपी की 15 करोड़ जनसंख्या को लाभ मिलेगा। साथ ही यूपी के सीएम ने ऐलान किया है कि शहरी क्षेत्र में जो रोजाना काम पर जाकर परिवार पालने वाले लोग, ठेले वाले, खोमचा, रेहड़ी, खोका आदि लगाने वाले, पटरी दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे लोगों को 1 महीने के लिए 1,000 रुपए का गुजारा भत्ता दिया जाएगा। जी हाँ, 1 महीने के लिए 1,000 रुपए का गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। इसका लाभ यूपी की 1 करोड़ गरीब जनता को मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन पहले हमारा 17 मई तक था, लेकिन अभी से बढ़ाकर 24 मई सोमवार तक लागू कर दिया है।